हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिस सीरीज़ का नाम है करियर मास्टर। इस सीरीज़ में मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने करियर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप अपने करियर को अपने मुट्ठी में कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारे सीरीज़ का 14वां वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगा कि बी लॉयल विथ पीपल, यानी कि लोगों के साथ लॉयल रहना क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कैसे काम करता है। इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझें। बिजनेस हो या ज़िंदगी, लोग ही सब कुछ है। 80% लोग इसलिए असफल होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें ना कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, जिसके वजह से उनका लोगों के साथ व्यवहार ठीक ठाक नहीं रहता और लोग उनकी मदद नहीं करना चाहते। जब वो क्रूशियल सिचुएशन में रहते हैं तो लोग उनकी मदद नहीं कर पाते और वहाँ पे वो डल पड़ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो ऐसे गिरते हैं कि कभी उठ नहीं पाते। तो हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि इस दुनिया में एक बच्चे को पिता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वही पिता बुढ़ा होता है तो उस पिता को उस बच्चे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वक्त का पहिया है, घूमता रहता है, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो हर उस इंसान को इज्जत दें जो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, आपसे ज़्यादा पैसा कमाता हो या कम कमाता हो, आपके कंपनी का एक चेयरमैन हो या वॉचमैन हो, सब बराबर का हकदार होते हैं। उन सब को बराबर का इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करें जो आपके लिए काम करता है, वो काम छोटा है या बड़ा है। हम लोग समझते हैं ना कि जब काम कोई छोटा व्यक्ति हमारा कोई काम करके देता है तो मैं समझता हूँ यार ये छोटा काम है, इसके लिए क्या शुक्रिया अदा करना, वो उसका फ़र्ज़ था, उसने किया। जी नहीं, हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करें जिसने आपके लिए काम किया है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं रखता। क्योंकि लोगों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा पसंद है। जब आप लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे ना और जब उनको शुक्रिया अदा करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमें इम्पोर्टेंस मिल रहा है, और जब इम्पोर्टेंस मिलेगा तो आपसे जुड़ेंगे, आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे। और जब आप क्रूशियल सिचुएशन में होंगे तब वो इंतज़ार कर रहे होंगे इस बात का कि आपका भी हेल्प करके आपको भी इम्पोर्टेंस फील कराएं। तो इस तरीक़े से अगर आप काम करते हैं या इस तरीक़े से अगर आप व्यवहार रखते हैं, लॉयलिटी अपने बनाए रखते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी के दरवाज़े खुल जाएंगे और खुलते ही रहेंगे। हम लोग यही बार बार इसी गलत फहमी में रहते हैं कि कभी किसी का ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हर किसी का ज़रूरत पड़ सकता है, कभी भी किसी का ज़रूरत पड़ सकता है। जैसा कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाया कि एक बच्चे को एक पिता की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि उस पिता को उस बच्चे की ज़रूरत पड़ती है। तो वक्त का पहिया है, कब किसके तरफ घूम जाए ये कोई नहीं जानता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर हमारा सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो हमारे सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।